कैसे हो बेटे सूरज? अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत बच्ची है। हमें नहीं मिलवाओगे? जी, ये सीमा है, मेरी दोस्त है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। अच्छी है। और ये रमाकांत। सर रमाकांत, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। वाह वाह। देखिए, हम लोग वैसे बहुत परेशान हैं, और आप? अरे तो बेटे, तुम लोग मुझे बताओ ना, शायद मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकूं। हाँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। शायद तुम लोगों को मेरा यहाँ आना ठीक नहीं लगा। अच्छा बेटे सूरज, कुछ पैसे मिलेंगे मुझे? ठीक है, फिलहाल मैं इसी से काम चला लूंगा। अच्छा बेटा, खुश रहो। सूरज, कौन है ये आदमी और तुमने उसे रुपये क्यों दिए? सीमा भिखारी है, हमारे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता है, हम सबको अच्छी तरह जानता है, आज यहाँ मिल गया। चलो कॉफी लेने चलते हैं। चलो। की बात अलग थी, अब हम दिल्ली में रहते हैं। यहाँ हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है। तुमने पड़ोसियों को देखा है, क्या नहीं है उनके पास? और हमारे पास क्या है? हमारे पास, अरे किसी के पास क्या है, इससे हमें क्या? हमें अपनी चादर देखकर पांव पसारने चाहिए। अगर हमें कोई बड़ी चादर देने को तैयार है तो हम क्यों नहीं? मैं समझ गया, तुम अब भी यही चाहती हो कि मैं उस कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत ले लूं, है ना? पुरुषोत्तम, जब वो देने के लिए तैयार है तो तुम्हें क्यों एतराज है? जरा सोचो, उस कमीशन से हम इस घर में क्या नहीं कर सकते? पुरुषोत्तम, हम अपनी कुछ इच्छाओं को तो पूरा कर सकते हैं ना? पुरुषोत्तम जी, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। तो फिर क्या फैसला किया है आपने मेरे बारे में? क्या बात हुई? पंडित ने मुहूर्त निकाल लिया। वो सीना के हिसाब से पंडित ने कहा कि जल्द से जल्द, मतलब एक हफ्ते के अंदर शादी हो जानी चाहिए। बहुत अच्छी खबर है, हमें सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। मेरी भी चिंता दूर हो जाएगी। और सीना ज्यादा भीड़भाड़ नहीं चाहता, सिर्फ करीबी लोगों को बुलाना चाहता है। उसकी बात मानने में ही भलाई है, उसे नाराज करना अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, मानो उसी का कहना, घर वाले नाराज हो तो। घर वालों में तुम अकेली हो जो ये शादी नहीं चाहती? हाँ हाँ, नहीं चाहती। उस बच्ची का तो सोचो, जिसे अपनी सारी जिंदगी एक खुदगर्ज आदमी के साथ गुजारनी पड़ेगी, उसकी खुशी का कुछ नहीं। पद्मा की खुशी का ख्याल है हमें, तुम्हें पद्मा की खुशी का नहीं, अपनी मुसीबत का ख्याल है। मैंने जो फैसला कर दिया वो कर दिया, बस। ये पद्मा की जिंदगी का सवाल है, ये मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे सवाल का सवाल है, जो मैं उसे दे चुका हूँ। तो तुम लोग अपनी जिद नहीं छोड़ोगे? नहीं, तो मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कैसे होती है। ये मजा, मेरा
मेरा फैसला ठुकराओ। आपने ये ऑफर कबूल करके मुझे जो सुकून दिया है, मुझे जो खुशी दी है, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। मार्केट में मेरी साख बच गई। अपना फैसला बदल कर आपने मेरी इज्जत बस बस सोचता था। आप पुराने आदमी हैं, पहले भी कंपनी में आप ही का सामान आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार भी टेंडर आप ही के नाम। मुझे आपकी जबान पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन है मुझे आपकी जबान पर, और आप भी मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये एडवांस है, टेंडर सुनने के बाद बाकी रकम में बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, नमस्कार। कोशिश कर रही है, रामपुर तो भूली नहीं है ना, और ना ही आप लोगों को। सारी बातें खड़े खड़े करोगे क्या? पहले अच्छा ये बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस ठीक चल रहा है। और आपका बिजनेस? बस गुजर बसर के लायक चल रहा है। तुम किसी खास काम से आए हो? हाँ ऐसे ही समझ लीजिए, पद्मा के लिए आया हूँ। माँ बहुत परेशान थी, उसने जिद की और मैं चला आया। हाँ अच्छा क्या मोहन जो तुम आ गए, माँ जी भी यहाँ बहुत परेशान थी, तुम्हारे आने से सहारा मिल जाएगा उन्हें। दरअसल मैं उस घर की चाबी लेने आया। उस घर में तो काम चल रहा है, पूरा फर्श तोड़ के नया बना रहे हैं। ठीक है फिर मैं किसी होटल में रुक जाऊंगा। अरे होटल में क्यों, तुम यही रुको। नहीं नहीं राधा, मैं होटल में ही रुक जाऊंगा। नहीं मोहन, यहाँ घर होते हुए मैं तुम्हें होटल में नहीं रुकने दूंगी, समझे? मोहन मैं चाय बनवा रही हूँ, तुम जाके फ्रेश हो। ठीक है राधा। जाओ मोहन। राधा राजी, मैं धनराज को अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे मालूम है वो बुरा नहीं मानेंगे इस बात का। ताई जी मेरी वजह से आपको डांट पड़ी और ताऊ जी ने आप पर हाथ उठाया ना? पद्मा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया, ये तो मजबूरी के आंसू है कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही। ताई जी आपके दुखी होने से मेरी किस्मत तो नहीं बदल सकती ना, अब मैंने इसे ही अपनी किस्मत समझकर चुप रहने का फैसला कर लिया है। भगवान औरत होने की कैसी सजा देता है, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी पद्मा। भाई जी मुझे इसी बात की खुशी है कि आपने मुझे इतना प्यार दिया जितना मेरी सगी माँ ने भी मुझे नहीं दिया। भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में मुझे आप ही की बेटी बनाकर पैदा करें। मैं तुझे इस तरह के चोरों से कैसे बचाऊं?
रानी जी, हमने एक बात तो सोची ही नहीं। क्या? धनराज भैया, वो हमारी जरूर मदद करेंगे, मैं उनसे बात करूंगी। हाँ, तू उससे बात कर लेना। तुम्हें लगता है शादी की कोई खास खुशी नहीं है? नहीं तो, घर में पहली शादी हो रही है, मैं खुश नहीं होंगी तो और कौन खुश होगा? भाई, मेरा तो मन था कि बहुत धूमधाम से शादी की जाए, लेकिन अब मजबूरी है। सर जी, आपने बुलाया? हाँ दयाशंकर, वो गंगा तू बता, तुझे और कुछ चाहिए तो? सब कुछ तो मेरा ही है, सब कुछ है जेवर। अरे हाँ, वो तो हमने पहले से सोच कर रखा है, गले पैर और दुल्हन की नथनी भी। आप खुद ही कितना ख्याल रखती हैं हमारा, हमें सोचने की क्या जरूरत है। नया शंकर, तुम्हें अपने किसी रिश्तेदार को बुलाना है? हाँ। हमारा और कौन है सर जी, आप ही तो हैं। अच्छा ठीक है, चल। मन तो बहुत था कि मोहन और सीता भी आते शादी में, लेकिन पूरब की वजह से। आप चाहे किसी को बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन मैं एक इंसान को जरूर बुलाना चाहूंगा। हाँ बेटा, बड़ी खुशी की बात है, कौन है वो? मेरे पिता रमाकांत जी। वो ये दिन के वक्त कौन है हमारा? अपना धंधा तो शाम ढले शुरू होता है। तो ये तू है, दिन के वक्त भी चढ़ा रखी है। जाने मन, शराब तो शराब ही है, दिन में पियो या रात में क्या फर्क पड़ता है? ना जी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले तो तू शराब को पीता था और अब शराब तुझे पीती है। और वैसे भी अब तो मीता और पूरब नाम के पेड़ पर नोट लटकने लगे हैं ना तेरे लिए। लेकिन आज तो मैंने सूरज के नाम पर पी है। राम करे, वो कहता है कि वो मुझे अपना बाप तब मानेगा जब मीता उसे कहेगी। उसे मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। तो तूने क्या उनको बता दिया कि तू ही उनका बाप है? हाँ, पूरब को तो मेरी बातों पर यकीन हो गया, लेकिन सूरज तो मुझे शराबी, कबाबी, भिखारी, न जाने क्या क्या कहता रहा। जब तक मैंने उसे कुछ नहीं बताया था, तब तक वो हमेशा अपने पिता के बारे में पूछता रहता था। और जब मैंने उससे बताया कि मैं ही तेरा बाप हूँ, तो वो अरे बस शरे की बात को कितनी बार दोहराएगा तू? लोग शराब पीने के लिए बहाने ढूंढते हैं और तू बहाने के लिए शराब पीता है। देख रमाकांत, खाली पीली में मेरा टाइम वेस्ट मत किया कर, मेरे को धंधा करके अपना पेट पालने का। और तू, तेरे जैसे नहीं हूँ मैं कि बगैर धंधा किए ही पैसे मिलने लगे मुझे। तू भी उकता गई मुझसे है? अरे जाने मन, अपने इस मन की बात मैं तुझसे ही तो कहता हूँ, लेकिन आज मेरा मन रो रहा, सूरज की वजह से मेरा मन रो रहा। और उस मन में से आज की वजह खराब निकल रही होगी। जब मैं वहां पहुंचा तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां बैठा था, लेकिन उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलवाया। शायद उसे मुझे अपना बाप कहने में तकलीफ हो रही। उससे पैसे लेकर उसी का गम गलत करने के लिए मैंने और शराब पी ली। लेकिन जाने मन, मैं बहुत दुखी हूँ, सूरज की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। पीछे हट, ड्रामा मत किया कर। एक तो सूरज से पैसे लिए और उसमें से मेरा हिस्सा भी हड़पना चाहता है। सिर्फ 50 रुपए? अब 50 रुपए में मैं तुझे क्या हिस्सा देता? इसलिए आज तेरे हिस्से के भी मैं पी गया, लेकिन सूरज की वजह से। अरे
जाने मन तू तो मेरे पार्टनर है, जब मैं कोई बड़ी रकम बैठ लूंगा ना तब तुझे भी हिस्सा दे दूंगा। बंद करिए। आए सुन तो रामकली, सुन तो। बस तो जनार्दन मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, मेरी शादी की हर वो रस्म जो एक बाप को पूरी करनी चाहिए वो मेरे पिता ही पूरी करेंगे। लेकिन तुम्हारे पिता भी इस दुनिया में नहीं है। पूरी है, वो जिंदा है। यह अलग बात है कि मेरी माँ ने उन्हें आज से 20 साल पहले जान से मार देने की कोशिश की थी। पूरब, एक बात सुन लो, अगर तुम्हारे कोई पिता है तो ये है और यही तुम्हारी शादी की रस्मों को पूरा करेंगे। नहीं माँ, आप मेरे अधिकार मुझसे नहीं छीन सकते। जब मेरे पिताजी जिंदा हैं, तो मैं ये हक किसी गैर आदमी को क्यों दूं? पूरब, आज तेरे पिता गैर हो गए, वो भी उस गजानन के कहने पर। तेरी शादी की हर रस्म उसी तरह होगी जिस तरह से हमने तय की थी। चला जा यहां से। आप इस बात को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा कि मेरे पिताजी जिंदा हैं। जादू कर दिया है, वो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है और वो समझता है कि रमाकांत जिंदा है। बेटा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सब क्या हो रहा है। पूरब आखिर क्या चाहता है? मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत मंजन क्या होने वाला है?